गर्मियों के मौसम वास्ते आज मैं आपने खाऊगल ही स्टाइल रामायने आलू रो एक नाश्ता बनाने बतोला जो कि बच्चा और बड़ा सब ने बहुत ही पसंद आवेला तो राम राम साह पापा मम्मी मा रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा इन वास्ते मैं आलू लिया हूँ जे का वजन रामायण लगभग साढ़े छः सौ ग्राम आलू है सब आलू मीडियम साइज़ आलू है आप इन साइज आलू भी ले सको ना आप कहते थोड़ा छोटी साइज का आलू है इन तरह का अभी आप ले सको इन आलू ने आज साफ धो लिया हूँ ઓચપોંચી લીયાં અન આલુને પકવન વસ્તુ પે કૂકર લિં હા કુકરમાં એક પ્લેટ રખદેવ તાપેક કોઈ રિંગ હોય તો રિંગ રખજો ન પ્લેટ નહીં તો પહેલ વખદ ભલે એનમાન આપણી ડાલ દેવા આલુના પીમાન ને રખલ આ લગભગ આધા લીટર હોય છે પાણી ડાલ એના પે કટોદાન લિય હા એ કટોદાનમાં રખદવાલુ પણ લિય એના આલુના પાઈમાં ડાલ દેવા સબ આલુને એમમાં પણ જમા દેવા એ આલુ બાર કરજો આલુ રમાં પાણી નહીં જવાયલ આલુ પાર થોડા સુકાય अब इन्हें माता ढक्कन लगा देव और सीटी भी लगा देव और पाँच सीटी तक पका पा तैयार कर लेवा पाँच सीटी रे मैंने अपना आलू अच्छी तरह पक जा वे ला अब कुकर ही पाँच सीटी आएगी है अब आप गैस न बंद कर देव गैस बंद करने अपने भाप नहीं निकालनी है थोड़ी देर भाप रे मैंने आलू अपना अच्छा पक जा वे लाने बाद रे मैंने आपको कुकर ने खोला अब कुकर भाप खत्म हो होगी है अब इन्हें अपना खोलना देख ला अब कोई भी कोई ले ले या आप चम्मच ले लीजो या चक्ू ले लीजिए इन डालना देख लेना आलू और मैंने बराबर जा रहा है इन्हें मतलब आलू अच्छा पक गया है अब इन्हें आप बहरा निकालना हल्का ठंडा कर लियाँ जब तक पा आलू ठंडा हो रहा है उतनी देर में मैं इन्हें एक कैरी लीवी हाँ कच्ची कैरी है इन्हें आप छील लेव इन तरह आप चक्ू छील सको या पिलरू छील सको और इन्हें छीन ला इंत्रो काट लेवा तो बड़ा बड़े ने अपना तैयार कर लेना मैं तो खट्टी कैरी ले भी हूँ आप चाहो तो इन जगह मैं खट्टी मिट्टी कैरी वे के वह भी ले सको अब इन कैरी ने अपना मिक्सीर जार रहे मैंने ट्रांसफर कर लेना भाई इनमें आप पाव कप पेज तो पानी डाल देव न ढक्कन लगाने आप पीस लेवा भाई पा खोल खोलने देख लें इन तरह आप देखो अच्छो पेस्ट बन गया इन तरह पेस्ट बनाने अपन तैयार कर लेवा अब इन केरी पेस्ट ना आप कडाले में डाल देव इनमें पा थोड़ा पानी डाल देव लगभग आधा कप पेज तो पानी डाल देव न पूरा इन साफ कर लेंवें इन तरह गैस ने चालू कर सब ने एक बार आप मिक्स कर लेंवें इन साथ में आधा कप ऑर्गेनिक गुड़ लियो तो आपके घर में जो भी गुड़ खाओ आप ले सको आप चाहे गुड़ नहीं खाओ तो आधा शक्कर भी बनाना तैयार कर सको या आधो गुड़ यादों शक्कर भी ले सको बाकी फटाफट बनने तैयार हो जाए ज़्यादा टाइम नहीं लगे ना आपने कहना आम नहीं वह तो आपने घर में अमचूर पड़ी वे क्या अमचूर भी अपन बनाना तैयार कर सका अब बहन माइन पा आधा छोटा चम्मच जो है तो काड़ा नमक डाल दें आधा छोटा चम्मच हुए तो पा भुनड़ो जीरो डाल देना आँस ने अपना थोड़ा धीरे कर ले होना आधा छोटा चम्मच जो है तो गर्म मसाला डाल दें और लगभग पा छोटा चम्मच होता है इनमें नमक डाल दी और साधारण नमक जी को आप रोज़ खाया करें और सबने आप अच्छी तरह मिक्स कर लें तब मैं पाधा छोटा चम्मच थी लाल मिर्ची डाल दी और सब ने अपन मिक्स कर लें ले। गुड़ भी अपन अच्छी तरह गल गया है बस गुड़ अपन अच्छी तरह गल जाए तो आपने पकान तैयार करना ज्यादा नहीं पका लास्ट टाइम है थोड़ा सा मतीरा बीज डाल दी अब ना आप गैस ने बंद कर दी अब भाई इन्हें आप साइड में रख देवा और पाकते आलू भी ठंडा हो गया है, आलू है तो आलू ठंडा हो यार बाद होने इन्हें आप छिलका निकाल दें तो आलू अच्छा पकड़ा रहे इंतरों तो फटाफट छिलका निकल जाए वाला ज्यादातर आप आलू नह के पानी में मैंने डालने बॉइल करिए वे व्यक्ति जल्दी तीन सीटी में पकने तैयार हो जाए करे पर इंतरों आप बर्तन में घालने पकाओ के तो आलू लगभग अपने चारों पाँच सीटी लगानी पड़े जर अपन आलू अच्छी तरह पकने तैयार रहे ना कुकर में ही डिपेंड करिए करें आपको कूकर छोटो वेला तो ज्यादा सीटियाँ लगानी पड़ेगा पड़ेला कुकर बड़ा वेला तो कम सीटियाँ भी लाग सके आलू आलून अपन अच्छा पकाने तैयार करना है इन तरह सब आलू ने छीलने तैयार कर लिया हाँ अब मैं इन मान पर एक आलू ले लेवा और एक आलू ने अपा काट लिया आप चाहो तो दो पार्ट में काट सको आप चाहो तो चार पार्ट में काट सको मैं इन्हें चार पार्ट में काट लूँ ला अच्छी तरह उबली उड़ाई वास्ते आप देखो स्मूथली कट किया इन तरह सब काटने आप तैयार कर ले इन तरह सब ओपास ने काटने तैयार कर लिया हाँ इन्ह साइड में रख दे और एक बॉल डे मैंने अपना दो टेबल स्पून वह तो कॉर्नफ्लोर ले लेवा और इनमें अपना पाव छोटा चम्मच होता है नमक डाल दी और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लेवा अब इन्हें पे साइड में रख दे और एक बाउल माइने जैसे आलू काट ना रखी आप डाल दी और थोड़ा थोड़ा करने इन मैंने अपना कॉर्नफ्लोर डाल दी आप कहना कॉर्नफ्लोर नहीं होता चावल लाटो भी आप लगा सको भी उन अच्छा क्रिस्पी बनना तैयार वेला इन तरह अपना मिक्स कर ले सब माता कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह लाग जा आपने लाग तो मैं कॉर्नफ्लोर मैं नमक क्यों डाली हूँ उनो रीजन हो कॉर्नफोरम नमक डालने से सब आलूर रमाते एक सिर को नमक लाग जा वाला यदि आप बॉल रहे मैं डायरेक्टली आलूर रमाते नमक डालता हो तो नमक है एक जगह लाग जा तो क्योंकि सब अपना अच्छी तरह नमकीन नहीं होता आप देख रहे हो सब रमाते कॉनफोर इंत्र लागिए बस इंत्रो अपन लगाने तैयार कर लिया पाकते पागते तेल भी गर्म हो गया तो आलू इन मान अपना इंत्रो डालता रहें आलू रमाता कॉर्नफोर लगा दा क्या जिन कारण आलू अपना क्रिस्पी बनना तैयार हुआ करें ये क्रिस्पी लेयर खाऊ बहुत अच्छी लागिए करें इंतरू अपना हल्को सा चला खाली कहीं एक जगह पड़िया नहीं रहा आप देख के हो हल्की हल्की क्रिस्पी लेयर इन मत आउंड हो गई है ए आलू इतना अच्छा क्रिस्पी बनिया करे आप लोग भी फ्राई करना रहे बच्चा तो कोरे ही खा जाओ भाई खाउन में इतना स्वादिष्ट ला गया करे इन तरह आप देख पा रही हो आलू माते एक हल्की सी क्रिस्पी लेयर आई गई है आलू का कलर भी बहुत ही सुंदर हो गया है इन तरह कलर आया है बाद मैंने अपना आलू ने न निकाल लेवा आप चाहो तो इन ज़्यादा क्रिस्पी भी कर सको या थोड़ा इन कम क्रिस्पी भी रख सको मैं एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनाना तैयार करी हूँ आप तो न आलू ने इन तरह भी खा सको यदि आपने पोटैटो वेजेज या फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाऊना शौक है तो आपने बहुत ही अच्छा लगेगा पर अपनी रेसिपी हाल पूरी नहीं हुई है मैं आपने खाऊ गली स्टाइल रे मैंने सर्व करनी बताऊँगा अब भाई इन्हें अपना साइड में रख देवा, तो दे वहाँ एक बॉल रे मैंने अपना लगभग डेढ़ कप वजह दही लिया हाँ इन दही रे मैंने आप एक टी स्पून वजी से शक्कर डाल दे वहाँ तो शक्कर डालना आपकी पसंद माते हैं शक्कर डालने सू हल्का सा मीठा हो जाए और अपन अच्छी तरह मिक्स कर लेना है मिक्स करना से अपना दही है हल्को सा क्रीमी हो जावे खाऊ ने बहुत स्वादिष्ट लगेगा इन तरह आपा पूरा दही ने मिक्स कर लिया हाँ वापस आप आलूरी प्लेट ने ले ला अभी आलू मात्र से ऊपर लिए दही बुरका दे दही ने इन तरह ऊपर डाल दूँ ना दही आप पसंद रही साबू कम ब तो डाल सको आप जब तक हो सके आप गर्मी हर माने बनाओ तो दही ठंडो ठंडो लीजो ठंडो दही कारण वो खाऊना बहुत स्वादिष्ट लगेगा अभी आप थोड़ा सा इन बात है बुरका भूरका आप कंधा नहीं खाता हो तो स्कीप कर दीजो दीजिए कंदा आप पसंद रही साबू थोड़ा कम ज़्यादा भी आप डाल सको अब थोड़ा सा पाइन माता टमाटर पुरका दे अब इन माता पर हरी चटनी डाल दें हरी चटनी आपने तिखो भाव तो ज़्यादा भी डाल सको और तिखो नहीं भाव तो कम भी डाल सको हरी चटनी कै कर बनावनी है ऐनी रेसिपी मार चैनल में तो अवेलेबल है उन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दूला अब भाई जी कैरी की चटनी बढ़े की आप देखो कितनी गाढ़ी होगी है अबे भाई कैरी की चटनी ने माँ डाल दे इनका स्वाद बहुत ही अच्छा बढ़ जाए वाला अब इन माता पर थोड़ी सी लाल मिर्ची पुरका देव बस थोड़ा सा अपना सादा नमक पुरका देव अब बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है अपन ने थोड़ा सा आप भुनिड़ो जीरो भुरका देव थोड़ा सा चाट मसाला भुरका देव चाट मसाला चटपटा टेस्ट इन माते बहुत अच्छा लगेगा ला। थोड़ा सा कालो नमक भुरका अब इन माते तो थोड़ी सी नाइलॉन सेव डाल दे थोड़ा सा आपा हरा धाना भुरका देव इन साथ थोड़ा सा दाना मरा दाना भी डाल दें भाई आप लोगों कोई चीज नहीं हुए तो आप पहली मत डालज आप खाऊ गली स्टाइल डे मैंने आलू की चाट बनने तैयार हो गई है તો ખાઉ ગળી રેમાયને ચાટ સર્વ કર્યા કરે ઉરીકે મેં આપને સર્વ કરની બતા હું ઓપાદ ડાળને બનાયા હા એ વાસ્ત ઘરમાં રમાયના ચાટ બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગ્યા કરે એક બાર આપણે ઘરે માનેટ ચાટ બના દેખો લા હર બાર આપનો મન કરેલા ઇન તહે ચાટ બનાવ નો તો આપી આપણે ઘરમાં જરૂર બના જો બેરબીલા સડી દૂજો વિડીયો અરમાયને જટ તક રામ રમ સા